जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा को दिवाली से एक बड़े उत्सव का स्वरूप दिया जाएगा। दिवाली से बड़े उत्सव का स्वरूप देगी विश्व हिंदू परिषद। 7.50 लाख मंदिरों में भक्तों को एकत्र करने की योजना, 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों को इकट्ठा करने की योजना, तो एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश करने जा रही है विश्व हिंदू परिषद। 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों को इकट्ठा करने की योजना है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है जिसका इंतजार सदियों से चला आ रहा था, दशकों से चला आ रहा था, वो दिन, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, और ऐसे में किसी उत्सव से बड़ा स्वरूप इसको दिया जाएगा। रुपेश मेरे साथ मौजूद है। रुपेश, किसी उत्सव से बड़े स्वरूप के रूप में ऐसे लोग देखेंगे, भव्यता दिखेगी, इसकी क्या तैयारियां इसको लेकर? रुपेश जी बता दें आपको, जिससे से 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विश्व हिंदू परिषद जो दीपावली के बड़े उत्सव का स्वरूप देगी। इस मौके पर देश भर के करीब 7.50 लाख मंदिरों में 10 करोड़ से अधिक हिंदुओं को एकत्र करने की योजना बना रहा है। इससे पहले अयोध्या की आरती के जो आयोजित स्थल हैं उनको भी पूजित किया जाएगा इसमें, और घर घर जो जिसमें जिस तरह से लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। और बिहिप के जो शीर्ष नेतृत्व का ये मामला माना जा रहा है कि पूरी जो जो ये जिस तरह से आयोजन हो रहा है ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये प्रत्येक गांव और बस्ती में रहने वाले हिंदुओं को वहां के मंदिरों में एकत्र किया जाएगा, और 22 जनवरी को जब नवनिर्मित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब इन मंदिरों में टीवी और एलईडी के माध्यम से मौजूद सभी लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का मौका मिलेगा। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से अगली खबर, एक आनंद स्टेडियम में